students, now we are back with the new video about the respiration. Before starting with the detailed concept of the respiration, first we have to understand what the respiration is. It's a process of oxidation of glucose, that is C6H12O6. It is a process in which this glucose molecule is break down to produce energy, and the energy will be in the form of this ATP molecule, that is adenosine triphosphate. So this is the respiration, and respiration and breathing, normally we get confused regarding the respiration and breathing, because hum log zyada tar yehi sochte hain ki jab hum respire kar rahe hain to hum saans le rahe hain. Actually saans lena aur chhodna is a breathing, jisme hum intake of oxygen aur given out of carbon dioxide karte hain through the nostrils और थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, लेकिन उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं. लेकिन जब वही इनहेल्ड ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक करने में काम आती है, दैट हैपेंस समवेयर इन द सेलुलर लेवल, तो उसको हम रेस्पिरेशन बोला जाता है. ये रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है. व्हेन यू राइट द डेफिनेशन देन यू ऑल्सो हैव टू मेंशन इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, वेयर एज ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस. ब्रीदिंग में हमारे मसल्स, रिब केज के, डायफ्राम एंड ऑल द अदर मसल्स आर यूज एंड दे कंज्यूम एनर्जी. तो हम क्या करेंगे, ATP इज कंज्यूम्ड इन द केस ऑफ ब्रीदिंग, जबकि ATP का जनरेशन होता है रेस्पिरेशन में. तो सीधी सीधी सी कहानी है, दैट द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग इज, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो सेल में होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, मैंने इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेस दैट हैपेंस इन दिस लिविंग सेल, एंड इट्स अ समथिंग द ब्रेक डाउन ऑफ द केमिकल टेक्स प्लेस. जबकि ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग में सिर्फ सांस अंदर लेना जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और सांस को बाहर छोड़ना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, इसको माना जाता है. बाकी उसके अलावा कोई ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं है. दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस बिकॉज इन दिस फिजिकल बॉडी मसल्स आर रिक्वायर्ड, एंड वी गेट टायर्ड आफ्टर ब्रीदिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. लाइक व्हेन यू हैव टू ब्रीद, आपको बोला जाए एक मिनट में 100 बार सांस लो, तो आप जब 100 बार सांस लेते हो तो आप थक जाओगे, बिकॉज इसमें एनर्जी जनरेशन नहीं हो रहा है, एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है. तो ATP इज कंज्यूम्ड इन दिस ब्रीदिंग प्रोसेस. सो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेशन. नाउ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. Now, what are the different types of respiration? In NCERT, there are two types of respiration is mentioned. Aerobic respiration and anaerobic respiration. Anaerobic respiration. So, ये दो तरह की respiration हम लोगों को पढ़नी है. Aerobic respiration is something, तो नाम से ही पता लग जाता है. एयर एरो इज समथिंग एयर, जिसमें एयर या ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. तो फिर इसमें लिखा जाएगा कि ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी is called aerobic respiration. When the breakdown, glucose is oxidized. आप oxidized की word की जगह पे अगर आप breakdown word use करोगे then it's okay. आप यहाँ पर breakdown भी लिख सकते हो. तो अगर हम कहते हैं glucose is broken down in the presence of oxygen to produce energy, that is called aerobic respiration. लेकिन anaerobic respiration is the incomplete oxidation, कह सकते हैं incomplete oxidation of glucose. Of glucose or incomplete breakdown of glucose to produce two molecule of ATP or the energy is called aerobic respiration. अब इन दोनों में और differences क्या होंगे, जब पूरी oxygen, full amount of oxygen में complete oxidation होता है glucose का तो वो aerobic respiration कहलाता है. जब glucose को कम oxygen मिलती है या नहीं मिलती है तो उसका incomplete oxidation होता है, इस वाले process को हम anaerobic respiration बोलते हैं. अब aerobic respiration में जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, बाय प्रोडक्ट इसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है और साथ में इसमें 38 ATP मॉलिक्यूल का कंजम्पशन होता है, यू प्रोडक्शन होता है. इसके अंदर क्या होता है, इसमें बाय प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं रिएक्शन कहाँ हो रहा है.
अगर तो ये रिएक्शन प्लांट्स में होगा तो बाय प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल। अगर ये रिएक्शन एनिमल सेल में होता है, एनिमल में मसल्स में, एनिमल सेल और ये मसल्स ऑफ एनिमल सेल्स में होता है, एनिमल सेल मसल्स ऑफ एनिमल, तो इसमें बनेगा लैक्टिक एसिड। और साथ में एटीपी जनरेशन में सिर्फ 2 एटीपी का जनरेशन होता है, जबकि यहाँ पर 38 एटीपी का जनरेशन है, यहाँ पर 2 एटीपी का। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन प्लीज नोट इट। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन आर द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक वो जिसमें ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन फुल सप्लाई है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अगर होगी ग्लूकोज की तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। इसमें 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, इसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे। इसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जनरेशन होता है। इसमें जो बाय प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन कहाँ हो रहा है। इफ दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन द प्लांट सेल देन द इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड, इफ इट इज हैपनिंग इन द मसल्स ऑफ एनिमल देन इट इज लैक्टिक एसिड विल बी प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस। नाउ वी लर्न सम रिएक्शंस based on the aerobic and anaerobic respiration, and these reactions are very very important, so better understand it properly. इसे बहुत ध्यान से करिए और बिल्कुल ध्यान से इसे नोट करिए, बिकॉज ये वैसे भी इस टॉपिक का बिल्कुल सार हो जाता है। तो हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि सेल में है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट कन्वर्जन होता है एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दैट यू कॉल्ड इज अ पाइरूवेट, राइट? पाइरूवेट। नाउ ग्लूकोज इज अ 6 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट हियर। यहाँ पर देखिए 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज जब टूटता है तो पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पाइरूवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल का कंपाउंड है। तो यहाँ पर 2 पाइरूवेट बनते हैं या पाइरूविक एसिड बनेंगे। और ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। तो अभी आपको ये पूछा जाएगा कि वेयर इज, व्हाट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। सो यू हैव टू टेल दैट इट्स 2 पाइरूवेट और पाइरूविक एसिड। आप नाम कोई भी लिख सकते हो इसमें, कुछ किताबें पाइरूवेट लिखते हैं, कुछ पाइरूविक एसिड लिखते हैं, कैसा भी लिखें पाइरूविक एसिड। तो साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन हो रहा है। इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस? तो क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, तो बोलो ग्लूकोज का पाइरूवेट में कन्वर्ट होना, एंड दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन दैट हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। अब पाइरूवेट का आगे फेट क्या होने वाला है, ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं है। पाइरूवेट की पूरी किस्मत, पाइरूवेट एसिड की पूरी किस्मत डिपेंड करती है कि वो रिएक्शन कहाँ हो रहा है और उसको ऑक्सीजन मिली या नहीं मिली। तो इफ वी से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इफ वी से दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन ऑब्वियसली द सिंपल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 एटीपी इज जनरेटेड। सो देयर इज नथिंग वेरी डिफिकल्ट रिगार्डिंग दिस। Glucose converted into pyruvate, no requirement of oxygen there. This will happen if the oxygen is present or not present. Now the pyruvate converts into a carbohydrate, carbon dioxide, water and 38 ATP molecule if there is a full amount of oxygen is present, and the reaction takes place in the mitochondria. So this is a complete aerobic respiration. You can say mitochondria, this is an aerobic respiration. You don't have to get confused very much. This we have discussed in the previous topic. Now the pyruvate, if there is an absence of oxygen, if there is an absence of oxygen hogi to maan lo in the plant cell mein agar absence of oxygen hogi to banega ethanol plus CO2, a little bit of CO2 and water, and then the 2 ATP molecule. ATP molecules are very less in amount in the anaerobic respiration, and this is anaerobic, right? Anaerobic part, anaerobic respiration is happening here. अब इधर अगर absence of oxygen animals में हो जाए तो animals के
आप एनिमल सेल मत लिखिए, आप मसल सेल लिखिए। मसल सेल्स में अगर होता है ऐसा तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में डिपॉजिट हो जाता है, साथ में वाटर होता है थोड़ा, साथ में बनते हैं 2 ATP। तो ATP बहुत कम है, एनर्जी बहुत कम बनेगी, और ये दोनों के दोनों एग्जांपल हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन के हो गए। तो बड़ा सिंपल सा तो नहीं लगता है, बट हाँ है इजी। ग्लूकोज को सीधा पाइरूवेट में कन्वर्ट करिए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अगर पूछ ले वो ऐसा 3 कार्बन मॉलिक्यूल का नाम बोलिए जो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में आता है, तो बोलिए पाइरूवेट होता है। ग्लूकोज का पाइरूवेट बनना, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही बन जाता है। फिर पाइरूवेट का क्या बनेगा आगे, वो डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होगा, फुल एनर्जी बनेगी, बहुत सारे ATP बनेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो मसल सेल में तो लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा तो मसल क्रैम्प्स प्रोड्यूस होंगे। यही वो चीज़ है जो हमारी बॉडी में मसल क्रैम्प्स प्रोड्यूस करती है। जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं या हम बहुत रनिंग करते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा भागते हैं, तो हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, डिपॉजिट हो जाता है और मसल्स बहुत हार्ड हो जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि हमारे मसल्स होते हैं रोप की तरह, अगर आप उनके ऊपर कुछ भी हार्ड सॉयल या मड का एक लेयर चिपका दो तो उनको मोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सिंपली ये लैक्टिक एसिड जब मसल फाइबर्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है तो वो मसल्स इजीली कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन आता है, तो वो लैक्टिक एसिड मसल क्रैम्प्स का कारण बनता है। एंड इन द केस ऑफ इथेनॉल, प्लांट्स के केस में इथेनॉल बनता है। इथेनॉल के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप द स्टैंडिंग वाटर इन द प्लांट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। आप पौधों में बहुत देर तक बहुत सारा पानी ठहरा कर क्यों नहीं रख सकते हो, तो क्यों? क्योंकि प्लांट्स में रूट्स में ज़्यादा पानी रखने की वजह से वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो एयर जो है वो एस्केप कर जाएगी मिट्टी में से, एंड द रूट्स विल स्टार्ट डूइंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड द रूट्स में प्रोडक्शन क्या होने लगेगी एनारोबिक रेस्पिरेशन से, इथेनॉल। इथेनॉल बनेगा तो अल्कोहल रूट्स के लिए डैमेजिंग होगा, रूट्स डैमेज हो जाएंगे और प्लांट में डाई। इसीलिए ये दोनों चीज़ें, हमें मसल ज़्यादा भागने पर मसल क्रैम्प्स और पौधों में ज़्यादा देर पानी खड़ा रखने पर रूट्स में इथेनॉल प्रोडक्शन, दोनों को नुकसान करते हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ एरोबिक इट इज़ वेरी गुड बिकॉज इट जनरेट्स 38 ATP मॉलिक्यूल्स। एंड दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। इन द नेक्स्ट चैप्टर विल बी लर्निंग अबाउट द प्लांट रेस्पिरेशन। सो बाय फॉर नाउ एंड गुड लक।